कोई भी ना शिकवा दर में किस्साए दिल 14 जुलाई से इतवार शब 9 बजे यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है। तुम उसे लेकर अभी घर ना आए ना तो ट्रस्ट मी, मैं पुलिस को लेकर तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। अब भले मेरी शादी उससे कर दे, लेकिन मैं उसे खुद को टच भी नहीं करने दूंगी। मैं उस लम्हे से पहले ही अपने आप को मार दूंगा। मुझे लगता है कि यह हमें मजबूर कर सकते, लेकिन जब हम रहेंगे ही नहीं तो मजबूर क्या करेंगे। म्यूट करना भूल गई थी। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर ज़ारा बात कर रही हूँ। फ़ोन बाहर ले जा। शेरबानो, मैंने आपको पहचान लिया है। आई अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, आप परेशान ना हो, प्रेगनेंसी में मूवमेंट बिल्कुल नॉर्मल है। कैन यू प्लीज टेक दिस कॉल आउटसाइड। जी, आपकी हमने उस दिन बेबी की मूवमेंट भी चेक की थी, स्कैन भी किया था, उसमें मूवमेंट बिल्कुल नॉर्मल थी, आप बेफिक्र हो जाएं। जी नहीं, मैंने कल आपके नेसेसरी टेस्ट कर लिए थे, बट चले ना उधर जो आरती हॉस्पिटल, टीम ने अटेंड कर लिया आपको? ठीक है, मैं कुछ टेस्ट भेज रही हूँ टीम को, वो कर लेंगे, मैं 20-25 मिनट में आ रही। जी हाँ, नहीं इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। वापस गई नहीं तुम? नहीं, बस अभी हॉस्पिटल जा रही हूँ। सॉरी, लेकिन आपको क्या हो गया था? नहीं नहीं, सॉरी तो मुझे बोलनी चाहिए, असल में नींद खराब हो जाना तो फिर अगले दिन का काम भी खराब होता है। जी लेकिन अचानक काफी गुस्सा कर दिया आपने, मैं डर गई थी, कभी किया नहीं है ना आपने इस तरह मेरे साथ। ज़ारा नींद में था। मैं भी यही सोच रही थी। क्या कर रही हो? जूस बना रही हूँ। तुम? हाँ मैं, और कौन? तुम इतनी डोमेस्टिकेटेड कब से हो गई? अच्छा सुनो, बताओ। मुझे लगता है इंद्रदीप खुश नहीं है। क्या हो गया? ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं, मैं ज़ारा की शादी पे उसे देखा था, मुझे पता है वो खुश कैसी लगती। देखो, अगर तुम इस बात को बहाना बना के इंकार करना चाह रहे हो ना, तो ये नहीं होने वाला। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? तुमने उसको भागते हुए नहीं देखा? अगर देख लेती फिर मैं पूछता तुमसे। अरे मेरे भाई, उसको सिर्फ पढ़ाई का इशू था और कुछ नहीं। तुम्हें कैसे पता पढ़ाई का इशू? यार उसने कहा था मुझे। मुझे यकीन नहीं आ रहा, फोन करो उसे। मैं नहीं कर रही। मैं शादी नहीं कर रहा, मैं इनकार कर दूंगा। तुम्हें तो बहाना चाहिए। अच्छा वो सैटरडे को शादी हो रही है, वरना तुम्हारा क्या भरोसा, तुम तो भाग लेते। अच्छा बातें मत करो, फोन करो उसे। तो तुम कर लो ना फोन। मैं फोन करता हूँ, अच्छा लगता हूँ। फोन किधर है तुम्हारा? कमरे में। मैं लेके आ रहा हूँ, स्टे हियर।
दीपू इधर आना। टिक्की खड़ी रहना, दम पड़ना है मैंने। कोई फायदा नहीं, मोइस का जादू मरते दम तक उतरेगा। माँ के सामने किस तरह जबान चल रही तुम्हारी, और कितनी बेहुदा बातें कर, कभी मारा नहीं है ना मेरे मुंह तोड़ते ना मैंने अगर इस तरह की कोई बात दोबारा निकाली। निब्रा की कॉल आ रही है, मुंह से एक लफ्ज ना निकले तो तोड़ दूंगी। जब बात नहीं करनी इधर। हेलो, हाँ बेटा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ आंटी, अंदरलीप की फिक्र हो रही थी, उसकी तबीयत खराब हो गई थी ना। हाँ बेटा, बस थकावट की वजह से थोड़ी सी तबीयत डाउन हो गई थी उसकी, वैसे तो ठीक है। इतनी नाजुक भी तो है ना वो, मेरी बात करा देंगी प्लीज उससे? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं निम्रा, जरूर करवाऊंगी बेटा। वो ना बाथरूम में निकलती है तो मैं कॉल बैक करवाती हूँ। हाँ अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। नाजुक सी निम्रा से बात कर, उसकी कॉल आई है, मैं कॉल मिला के दूंगी स्पीकर के ऊपर, अगर कोई उल्टी सीधी बात की ना तो हड्डियां तोड़ दूंगी थी। वो मैंने कहा तो है आपको कि मैं शादी कर लूंगी तो कर लूंगी, तो फिक्र नहीं करें। अस्सलाम वालेकुम निम्रा बाजी। वालेकुम सलाम, मैं नुमैर बात कर रहा हूँ, कैसी हो? ठीक हूँ। सुनो मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, कोई आस पास तो नहीं है तुम्हारे? नहीं। गुड। क्या तुम इस शादी से खुश हो? आप बताएं, आप खुश हैं? मैंने पहले पूछा था ना, मैंने पहले जवाब मांग लिए। टू बी ऑनेस्ट, लगा था कि शादी 3-4 महीने बाद होगी, हमें बात करने का मौका मिलेगा, एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा, फिर हम डिसाइड करेंगे हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं या नहीं। मंगनी का असल मकसद तो यही होता है ना, वरना क्या फायदा? व्हाट डू यू थिंक? मैंने फैसला कर लिया है, शादी 2 दिन बाद हो, 2 महीने बाद हो या 2 साल बाद, जब कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम उनसे कुछ छुपा रही हो? मैं कुछ नहीं छुपा रही, आप जानना चाहते हैं ना कि मैं खुश हूं या नहीं, तो मैं बहुत मुतमईन हूं अपने फैसले से, दिल को सुकून मिल गया। ऐसा लग रहा है अपनी हर खुशी हर गम से आजाद हो गई, इससे जो कुछ भी हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है, किसी और की नहीं। वो ठीक हो तुम? हाँ जहर का प्याला घुट घुट पिलाकर पूछती है, मैं ठीक हूँ। हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। सब ठीक हो जाए, भूख लगी थी ना, मैं नाश्ता बना कर लेकर आती हूँ। अल्लाह क्या हो गया देखू?
इश्क में जफा भी है वफा भी है, यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है, मरना भी है जीना भी है, मरना भी है जीना भी है, नुकसान भी नफा भी। रहेंगे ख्वाबों ख्यालों में तुझको ही ढूंढूं, तेरी ही बातें करेंगे, कोई जो पूछे क्या है वजह, इश्क मोहब्बत नाम तेरा, ये इश्क है आतिश को माशाल्लाह, तब प्यारा लग रहा है मेरा बेटा, बिल्कुल शहजादा लग रहा है। अरे बेटा ये इतनी सादी शेरवानी, ये तो लग रहा है कि तुम हलफ लेने जा रहे हो शादी करने। नहीं हम फैशन शो पे नहीं जा रहे, चल। तेरे बहुत प्यारा लग रहा है मेरा बेटा, माशाल्लाह। क्या बात, अरे इतनी प्यारी भी ना लगो कि दुल्हन को छोड़ के सब तुम्हें देख कर। ऐसी भी कोई बात नहीं है। बिल्कुल ऐसी ही बात है हमारी आंखों में देखो। ये तो आपकी आंखों का कसूर हुआ, अब सबके चेहरों पे आपकी आंखें तो फिट होने से रही। होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि तुम सिर्फ मेरे लिए बनी और तुम मेरे लिए। एब्सोल्यूट। तैयार हो गए तुम दोनों? जी। इतनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी, इधर आओ नजर ना लगे। माशाल्लाह, अरे साथ साथ रहना, अकेला मत छोड़ना इसको। अरे दादू फिक्र ना करें, आप पल्लू से लगा रहा हूँ। हाँ वैसे तो जैसे लगे नहीं रहते तुम, कौन सी नई बात है भला। अरे बेटा जब से तुम आई हो ना बेटा, घर में जैसे रौनक आ गई है माशाल्लाह। घर में तो कोई लड़की ही नहीं थी, कितना कितना कहा था मैंने एहसन से कि दूसरी शादी कर ले, मगर नहीं। जी काफी कोशिश की थी आपने पापा को बहकाने की, लेकिन उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। He's a great father. He must be. उन्होंने ये कुर्बानी सिर्फ अपने बेटे के लिए दी थी, वरना वो चाहते तो कहीं भी आराम से दूसरी शादी कर सकते थे। बहुत बड़ी बात है, मर्द तो बहुत जल्दी दूसरी शादी कर लेते हैं। एग्जैक्टली, हैंडसम थे, वेल्दी थे, लड़कियों की लाइनें लगी हुई होंगी ना? हाँ। अच्छा मेरे ख्याल से काफी देर होती जा रही है, तुम लोग जाओ खैर से। ठीक, चले चले चलो। अल्लाह हाफिज़ दादो। खुदा हाफिज़ बच्चा। दा अस्सलाम वालेकुम खालू। ओ वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक दादू। हमारी बेटी। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह नजरे बद्दू। अब्बा वालेकुम, कैसे? वालेकुम सलाम, कैसी? ठीक है। कैसे बेटा? माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो मेरा दामाद बहुत प्यारा लग रहा है। दामाद जो होते हैं ना बिल्कुल बेटों की तरह होते हैं, और जो बेटियां होती हैं
वो बाप की आंख का तारा होती है। मैं जरा दीपू को देख लो, मिल लो साहब। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम आंटी। जी तेरा बेटा। हेलो, हो रही है फिर शादी? मैं दुल्हन देख कर आती हूँ तुम्हारी। लाडो खाला, आप यहाँ हैं? आपको सब ढूंढ रहे हैं, चलें। इसके बाबा ने कहा इसके पास ही रहना है मुझे। मैं हूँ दीपू के पास, आप जाएं। ज़ारा तुम तो इतने दिनों से आ नहीं रही थी, तुम्हें पता नहीं है क्या क्या तमाशे किए हैं। बस अभी आप फिक्र ना करें, आप जाएं, मैं हूँ इसके पास, मैं इसको सीधा करती हूँ। Are you sure? Thank you. दीपू, मुझे आपसे बात नहीं करनी। वो क्या हो गया है? हम जो कुछ कर रहे हैं तुम्हारी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। मेरे कान ना थक गए हैं ये बातें सुन सुनकर, और मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि मैं आपके जैसी नहीं हूँ और ना ही बनना चाहती हूँ। मेरा नाम ना दिलीप है, जिसका मतलब होता है बुलबुल, जो रातों में अपने महबूब के लिए रोती है। आप बड़ी हैं ना, इसलिए आप सब कुछ कर सकती हैं। मैं छोटी हूँ तो आप लोगों ने अज्यूम कर लिया कि मुझ में अकल नहीं है। ऐसा नहीं है, मैंने की है ना तुम्हारे कहने पे कोशिश। झूठ मत बोल। आपने मुझे धोखा दिया, और इस बात की क्या गारंटी है कि आपकी शादी कामयाब रहेगी? मेरी बदुआएं लेकर ना आप कभी खुश नहीं रह पाएंगी। तुम मुझे बदुआ दोगी? नहीं दे रही, मेरा दिल दे रहा है। अपनी मर्जी की शादी करना ना मेरा हक है। बजाय मुझे सपोर्ट करने के आप सब लोग जबरदस्ती मेरी शादी नुमैर से कर। और आपको क्या लगता है मैं उस आदमी को कभी खुश रख पाऊंगी? और जब वो आपसे पूछेगा कि तुम तो मेरी दोस्त थी, तुम तो मुझे बता दी थी, तो आप क्या कहेंगी? मैं बताना चाहती थी उसे, लेकिन मुझसे नहीं हुआ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे बचपने की सजा तुम्हें सारी जिंदगी मिलती रहे। आपने ना बहुत बड़ी गलती की है, और इसका खमियाजा ना आपको सारी जिंदगी भुगतना पड़ेगा। दीपू, आई एम सो सॉरी। मुझे जेन्युइनली लगा कि तुम ये पूरे मोईज वाले चीज में से निकल आओगी, उसे भूल जाओगी। कैसे लगा आपको? हाँ, मुझे उससे प्यार नहीं है, इश्क। अच्छा ठीक है, मुझे बताओ अब क्या चाहती हो तुम? क्या करूं मैं तुम्हारे लिए? नुमैर से बात करूं, खालू से बात करूं, ये सब कुछ कैंसिल कर दें, क्या करें? जल्दी ख्याल आ गया आपको? अपना जनाजा तो मैं निकाल चुकी हूं, अपने माँ बाप की इज्जत का जनाजा नहीं निकालना मुझे। अगर आप वाकई मेरे लिए कुछ करना चाहती हैं ना, हाँ, मुझे आखिरी बार मोहित से मिलवा दे। नहीं, जानती थी मैं हद आप मिलवा ही नहीं सकती। ये नहीं हो, कैसे हो सकता है ये? आप तो मुझसे बहुत प्यार करती है ना, मैं आपको बता रही हूँ, मैं सबके सामने इनकार कर दूंगी। शादी कर तो रही हूँ ना। अच्छा 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 जी, वो रो नहीं है सर, मैं कुछ करती हूँ। मुझे मोहित से मिलना है, और आप मुझे मिलवाएंगी? मुझे नहीं पता, मुझे उससे मिलना। ज़ारा, जाओ, तुम्हें हसन बुला रहा है। अच्छा, मैं बैठी हूं ना दुल्हन के पास, तुम फिक्र नहीं करो। तुम्हारी अपनी नई नई शादी हुई हुई है, बीवी का फर्ज होता है मियाँ की बात मानना। जी दादा, जी वो मैं आती हूँ। अच्छा, तुम इसका फिक्र ना करो, मैं हूँ दीपू के पास। जमाल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था कि अंदलीप के पास रहना। ये ज़ारा आई थी, मुझे कह रही है सारे लोग मेहमान वेट कर रहे हैं, मेरा ढूंढ रहे हैं मुझको। हाँ, मगर फिर भी उस पर नजर रखनी जरूरी है ना। जमाल, क्या हो गया आपको? ज़ारा है ना उसके पास, ज़ारा ने मुझसे प्रॉमिस किया है, वो ध्यान रखेगी उसका। उसकी
कैसे हुई ये आने की? क्या कर रहे हैं आप? क्यों आए? कोई भी गड़बड़ कर सकता है ये यहाँ। जमाल क्या कर रहे हैं? इस तरह ना करें, गुस्से को कंट्रोल करें। इस वक्त तमाशा करने की जरूरत नहीं है। दीपू के बाकी कॉलेज फ्रेंड्स भी आए हैं। उन कॉलेज फ्रेंड्स के साथ आ गया है, किसी को क्या पता कौन है। हम इस तरह करेंगे तो सबको पता चल जाएगा। चले आए, आ जाए, आ जाए। कहाँ रह गई थी? दीपू के पास थी। परेशान क्यों? बस मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये शादी करवानी ही नहीं चाहिए थी। आहिस्ता बोलो, क्या कर रही है? मैंने सही नहीं किया, ना नुमेर के साथ ना अंदरीप के साथ। अच्छा, परेशान नहीं हो, प्लीज। पता है मुझे क्या कह रही थी? कि मेरी बद्दुआ लगेगी आपको, आप कभी खुश नहीं रहेंगे। मैंने उससे पूछा, मुझे बद्दुआ दोगी? कैसी बातें कर रही हूँ, वैसे थोड़ी बद्दुआएं लगती है। तुम्हारी इंटेंशन थोड़ी थी? नहीं थी सर, लेकिन। हेलो, सॉरी मैं आप लोगों को डिस्टर्ब कर रही हूँ। वो अम्मी पूछे मौलवी साहब नहीं आए अभी? आई थिंक वो रश में कहीं रह गए हैं, पहुंचने वाले होंगे। ओके, आ जाओ, आ जाओ। मोइस, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मेरी बेटी के आसपास नजर नहीं आओगे, और तुम आज के दिन यहाँ पर? अंकल, हम कॉलेज फ्रेंड्स भी तो हैं। मैं तो अपने सारे क्लास फेलोज के साथ आया हूँ। जस्ट शट अप, मैं कुछ तमाशा नहीं देखना चाहता यहाँ पर। सुना तुमने? डोंट वरी, डॉक्टर साहब, मौलाना साहब को देर नहीं होगी। आई नो, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि इत्तेफाक है या अल्लाह मियां की तरफ से दिया हुआ एक चांस कि मैं भाग सकूं। अब आप नरगे में आ चुके हैं, अब तो अल्लाह ही आपको बचाए। थैंक्स हसन। खाना खाया? निकाह कर लिया पहले, और फिर खाना खा लूं। मुईज आ गया, मुझे उससे मिलवा दे, वरना जो होगा उसकी जिम्मेदार आप लोग। दादू, दादू बहुत मेहमान आपका पूछ रहे हैं, आप चलें। आ जाएं, आ जाएं। मैं हूं दीपू के पास, आप आ जाएं। आ जाएं, आ जाएं। बहुत मुश्किल से ये सब हो रहा है, 5 मिनट हैं, जल्दी बात करो जो भी बात करनी है। मैं बाहर ही हूँ, और ये दरवाजा खुला रहे।
मैंने सोचा था तो मैं अपनी आंखों के सामने किसी और का होते हुए देखूंगा, और फिर एक गोली खा के मर जाऊंगा। अकेले नहीं मरोगे, हम साथ मरेंगे। पागल है तो तुम्हारी तरह अभी ना सही तो अगली दुनिया में से, लेकिन हम मिलेंगे जरूर। हाँ ये सही है, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो, किसी और की नहीं हो सकती। मेरा और तुम्हारा दिल जुड़ा है, मैं हर जगह तुम्हारे साथ हूँ, और मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकता अंधेरे। प्लीज क्या हो गया यार, मैं तो तुम पे किसी की नजर भी नहीं बर्दाश्त कर सकता था, और अब मेरा दिल चाह रहा है मैं उसका खून कर दूं। हमने मरने का फैसला कर लिया है, अब किसी और को मारने का कोई फायदा नहीं। लाडू खाला हो गई है, प्लीज चल रहे हैं मुझसे, चलो चलो चलो, टाइम नहीं है, लाडू खाला आ गए। बिबू यार पागल कर दिया तुमने मुझे। देवो चलो, तुमने पूरी ज्वेलरी क्यों नहीं पहनी हुई अपनी, जरा से वो पहनाओ, जरा ये पकड़ो मैं बनाती। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ला। जफा भी है वफा भी है यार, तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है, मरना भी है जीना भी है, मरना भी है जीना भी है, नुकसान भी नफा भी। यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है, यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है, रहेंगे ख्वाबों ख्यालों में तुझको ही ढूंढूं, तेरी ही बातें करेंगे, कोई जो पूछे क्या है वजह, इश्क मोहब्बत नाम तेरा, ये इश्क है आतिश को, ये इश्क है आतिश कोई।
मेरे ख्याल से चलते हैं यहाँ से। नहीं, मैं देखना चाहता हूँ मेरे में कितनी हिम्मत है। सॉरी मैम, प्यारी लग रही है ना। माशाल्लाह, नजर ना लगे। अच्छा, नुमैर को भेजती हूँ। हाँ।